इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने पर्यटन को गति देने के लिए एक और कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाने के लिए श्रीलंका ने वीजा ऑन अराइवल की सुविधा बहाल करने का ऐलान किया है। हालांकि श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों को झटका भी दिया है। पाकिस्तान और नेपाल समेत 10 देशों के सैलानी इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। समाचार एजेंसियों के मुताबिक श्रीलंका सरकार ने वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बहाल करने का ऐलान शनिवार को कर दिया। श्रीलंका की सरकार ने इस सुविधा कोरोना वायरस की महामारी के कारण साल 2020 में ही बंद कर दी थी। श्रीलंका सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम को द्वीपीय देश में पर्यटन इंडस्ट्री में फिर से जान फूंकने की दिशा में उठाए गए सबसे जरूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण पर्यटन इंडस्ट्री काफी प्रभावित हुई। श्रीलंका सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश में एंट्री के पोर्ट पर आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण यानी ETA जारी करना शुरू कर दिया गया है। ये सेवा 8 फरवरी 2022 से ही शुरू की जा चुकी है। श्रीलंका सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये सेवा उन पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए शुरू की गई है जो समय की कमी के कारण यहाँ की यात्रा करने के लिए ऑनलाइन ETA प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करते थे। अब चलिए बताते हैं आखिर पाकिस्तान और नेपाल समेत वो 10 देश कौन से हैं जिनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इस सेवा का लाभ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, सीरिया, नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट, कैमरून, म्यांमार और उत्तर कोरिया के पासपोर्ट धारक नहीं ले पाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के पहले श्रीलंका एशिया के सबसे लोकप्रिय ट्रेवल डेस्टिनेशन में से एक हुआ करता था। श्रीलंका के लिए भारत सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट हुआ करता था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस महीने 3,575 भारतीय श्रीलंका की यात्रा कर चुके हैं। 4,500 रूस और 3,700 ब्रिटिश यात्रियों ने श्रीलंका की यात्रा की है। श्रीलंका की पर्यटन इंडस्ट्री धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। जनवरी महीने के दौरान ही श्रीलंका में 82,000 विदेशी सैलानी पहुंचे। पिछले साल इसी समय पर यानी कि जनवरी 2021 के आंकड़ों की बात करें तो केवल 1,600 विदेशी सैलानी श्रीलंका पहुंचे थे। लेकिन अब श्रीलंका सरकार के इस कदम से माना जा रहा है कि वहां के पर्यटन इंडस्ट्री में एक बार फिर से जान आएगी और दुनिया के तमाम विदेशी सैलानी जो है वो श्रीलंका घूमने के लिए जाएंगे, जिससे वहां की इकोनॉमी पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।